हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हाल ही में दोस्तों BSA गोल्ड स्टार को जो है इंडियन मार्केट में टेस्ट करते हुए देखा गया है। इंडियन रोड पे जो है इसको टेस्टिंग के दौरान देखा गया है दोस्तों। और BSA की तरफ से ये इनकी पहली बाइक होने वाली है इतने टाइम के बाद। और ये बाइक दोस्तों इंडियन मार्केट में हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अभी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिली है बाइक दोस्तों, ये मुंबई में जो है इसको टेस्ट करते हुए देखा गया है, स्पॉट किया गया है दोस्तों। और आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन जो है ये बाइक लग रही है इस समय। और दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों अगर आपको पता है या नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को ये मालूम है कि BSA जो है किस ब्रांड के अंडर में आती है इंडियन मार्केट में। ज़रूर से कमेंट करके बताएं। अगर सही कमेंट करने वालों को मैं जो है हार्ट दे दूंगा दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि BSA जो है किस ब्रांड के अंडर में जो है अभी शिफ्ट हो चुकी है, पूरी तरह से उसे जो है ख़रीद लिया गया है। हमारे इंडिया की ही ब्रांड है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं BSA गोल्ड स्टार के बारे में। तो अभी रिसेंटली जो है रॉयल एनफील्ड ने अपनी 650 मीटियोर को जो है लॉन्च किया है, वो भी बहुत जल्द हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों BSA गोल्ड स्टार भी 650 कैटेगरी में ही इंडियन मार्केट में अपनी बाइक को जो है लॉन्च करने वाला है दोस्तों। बता दें दोस्तों इसका जो मेन कॉम्पिटिटर रहने वाला है वो रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650 के साथ जो है ये कॉम्पिटिट करेगी बाइक। और ये बाइक देखना होगा कि इंडियन मार्केट में कैसे जो है लॉन्च की जा सकती है कंपनी के द्वारा, और बहुत जल्द जो है हमें देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट में दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसकी बात करें, काफ़ी प्रीमियम कैटेगरी का जो है ये प्रोडक्ट रहने वाला है BSA की तरफ से। इसका नाम जो है गोल्ड स्टार रहने वाला है। और आपको जो है फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म इसमें देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो ABS हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो, या दोस्तों इसमें काफ़ी और जो है फीचर USB का पोर्ट भी आपको जो है देखने को मिल सकता है दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एग्जॉस्ट साइज के बारे में। तो डेफिनेटली आपको काफ़ी लंबा जो है एग्जॉस्ट साइज इसका देखने को मिलेगा। हो सकता है कि BSA जो है इसमें रॉयल इनफील्ड के टक्कर वाली जो है साउंड हमें देखने को मिल जाए दोस्तों। काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लिक्विड कूल आपको ये इंजन देखने को मिल सकता है दोस्तों। सीट हाइट भी आपको जो है ज़्यादा ऊंची नहीं मिलेगी, क्रूजर सेगमेंट में ही जो है ये बाइक देखने को मिल सकती है दोस्तों। स्पोक व्हील आपको देखने को मिलेंगे, ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलेंगे। फ्रंट में दोस्तों आपको जो है लाइट हेलोजन ही देखने को मिलेगी। ऑल सेटअप जो है आपको इसमें हेलोजन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि रेट्रो लुकिंग जो है बाइक होने वाली है दोस्तों। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब किया। क्योंकि आप लोग नहीं होते तो दोस्तों डेफिनेटली हम लोग आज इस मुकाम तक नहीं आ पाते दोस्तों। हमारे हाल ही में जो है 600 सब्सक्राइबर जो है पूरे हुए हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो बाइक है आपको इंटरसेप्टर 650 के ही प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल सकती है। 3 लाख के अराउंड जो है इसका प्राइस रहने वाला है इंडियन मार्केट में। और इसमें जो है आपको काफ़ी अच्छे जो है फीचर देखने को मिलेंगे, एक नया जो है प्रोडक्ट आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि अगर ये लॉन्च होगी तो आप ये बाइक लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।